ओ माय गॉड, इतना तीखा, देसी घी ऐड हो रहा है। देखो मीठे मन में थोड़ा तीखा करने के लिए और थोड़ा मिर्ची थोड़ा सा ज्यादा डाला, नमक मिर्ची लहसुन धनिया पाउडर का मसाला ऐड हो रहा है। देखो गाइस, खट्टा मीठा टीका सब्जी, महेंद्र भाई के हाथों की ये सब्जी अगर आपको खाने के लिए मिल रही है तो आप बहुत ही नसीब वाले हो गाइस। राजस्थानी देसी थापा स्टाइल सब्जी, ये देखिए गाइस, देसी घी ऐड हो रहा है। देखो गाय का देसी घी, वाओ। महेंद्र जी, आज किसकी सब्जी बनाने वाले हो? आज हम काचर और ग्वार फली। ये देसी ग्वार फली है और ये है देसी काचर। तो ये कितने लोगों के बना रहे हो? अभी तो तीन लोगों का है। तीन लोगों का, बच्चे का तो सुबह खाएंगे। और वाह, ये हींग, थोड़ी सी हींग, जीरा, और ये जीरा। अब जीरा के बाद ये लहसुन। ओ हो गाइस, मिर्ची प्याज, वाह। मिर्ची और प्याज को देसी घी में फ्राई कर रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। फ्राई करते हैं, लाल करेंगे पूरा। वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई। आज तो मसाला तैयार करते हैं। महेंद्र भाई की स्पेशल ढाबा स्टाइल, ये देखो देसी घी में सब्जी बन रही है और यहाँ पे महेंद्र भाई देखो मसाला तैयार कर रहे हैं। थोड़ा तीखा बनाएंगे। ओ माय गॉड, इतना तीखा कौन खाता है? थोड़ा तीखा घी में बनाया ना, घी में तो थोड़ा तीखा होना चाहिए। घी में तीखा होना चाहिए। और ये क्या है? ये धनिया पाउडर। धनिया पाउडर, तो इसमें क्या क्या डाला है आपने? धनिया पाउडर, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। धुआं निकलने वाला है गाइस, आज जो भी खाएगा ना ये, कोई गुजराती तो खा ही नहीं पाएगा। मारवाड़ी प्योर राजस्थानी मारवाड़ी सब्जी बन रही है गाइस आज, देखिए। और ये हम रूम पे बना रहे हैं हमारे। थोड़ा घी और ऐड करते हैं। ओ हो 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 हो, वाह। थोड़ा सा घी और ऐड करने की संभावना है थी। थोड़ा सा। तो ये घर का घी है? घी प्योर देसी गाय का। देखो घर से आया हुआ है घी। कितना किलोमीटर दूर है घर? घर मेरा है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर दूर से देखो घी आया है स्पेशल आज ये सब्जी बनाने के लिए। तो महेंद्र भाई, आपको कब से शौक है ये खाना बनाने का? ये कॉलेज टाइम से है। कॉलेज टाइम से? हाँ जी। आपके पूरे फ्रेंड सर्कल में तो सब मौज में ही रहते होंगे, कभी भूखे नहीं रहते होंगे? नहीं नहीं, कभी। हम रात को भूख लगती थी, 2-2 बजे 3-3 बजे उठ के बना लेते थे। 2-2 3-3 बजे खाना बना रहे थे? शाम को जल्दी खा लिया, 7 बजे खाना खा लिया। हाँ। और रात को जैसे पढ़ाई कर रहे हैं या बैठे हैं बातें कर रहे हैं, ओके, तो फिर रात को 2-3 बजे भूख लग गई। हाँ। तो 3 बजे उठ के पराठे, घी में पराठे बना लेते थे। 3 बजे उठ के घी में पराठे बनाते थे? हाँ, क्या करें, नमक मिर्ची डाल के। ओहो, टाइम पास भी हो जाता था, फिर खा के सोते थे संडे छुट्टी वाले दिन, फिर आराम से सुबह उठते थे। वाह महेंद्र भाई वाह। ये जो मसाला है उसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। गुवार फली की और काचरे की सब्जी, देसी स्टाइल राजस्थानी ढाबा स्टाइल, देसी घी में। लेकिन इतना तीखा कौन खाएगा? नहीं, तीखा नहीं है, मिर्ची तीखी नहीं है ना। ओके, एकदम नॉर्मल मिर्ची, अब लगता है तीखा है, तीखा है। तो कितनी देर तक पकाना है इसको? एक दो मिनट और। थोड़ा ब्राउन हो जाए हल्का सा। ओके, हल्का सा ब्राउन करके फिर इसको मसाला डालेंगे। मसाला सेकेंगे। प्याज और मिर्ची अच्छे से फ्राई हो गई है। नमक मिर्ची लहसुन धनिया पाउडर का मसाला ऐड हो रहा है। देखो गाइस, वाह भाई वाह, मसाला पकेगा अभी। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है गाइस, थोड़ी सुगंध भी, लेकिन मुझे तीखी लग रही है थोड़ी सी। हाँ, ये मीठा होता है ना, काचरा मीठा होता है। ओके, काचरा मीठा होता है तो फिर वो मजा नहीं आएगा ना, तीखा नहीं होगा तो। काचरा होता है मीठा। ओके, थोड़ा घी भी है और मीठी सब्जी भी है, तो मीठेपन में थोड़ा तीखा करने के लिए और थोड़ा मिर्ची थोड़ा सा ज्यादा डाला है। ओके, मीठेपन में तीखापन करने वाले हैं आज हमारे, खट्टा मीठा बनाने वाले हैं सब्जी। खट्टा तीखा, खट्टा और खट्टा मीठा और तीखा। ओहो, खट्टा मीठा तीखा सब्जी, महेंद्र भाई के हाथों की ये सब्जी अगर आपको खाने के लिए मिल रही है तो आप बहुत ही नसीब वाले हो गाइस। हमारे रूम पार्टनर की ख्वाहिश थी, देसी सब्जी खाना है आपके हाथ की। स्पेशल रूम पार्टनर प्रदीप भाई के लिए आज बन रही है सब्जी। प्रदीप भाई खुद नहीं है यहाँ पे, हमारे मेहमान आए हुए विक्रम भाई, ये हमारे मेहमान है विक्रम भाई, जो कि हिमाचल प्रदेश से आए हैं। हमारे मेहमान है राजस्थान में ये महेंद्र भाई की सब्जी ट्राई करने के लिए। मेहमान है एक हमारे, बहुत अच्छे स्पेशल मेहमान बुलाया हमने। मेहमान लेकिन शर्मीले बहुत है यार, शर्मा रहे हैं मेहमान हमारे, कैमरे के सामने नहीं आते। और ये देखिए गाइस, फाइनली ये देखो गुवार फली भी ऐड हो गई है। देसी गुवार फली है, बिना केमिकल वाली, बिना खाद वाली। महेंद्र भाई बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। चश्मा लगा के सब्जी बनाते हैं। वाह भाई वाह, ये देखो
कितनी बढ़िया कुकिंग कर रहे हैं। आंखों में थोड़ा सा धुआं आ रहा है इसलिए थोड़ा चश्मा पहनना पड़ रहा है अंधेरे में। अब महेंद्र भाई क्या ऐड करोगे इसमें? अब बस काचर ऐड करेंगे। काचरा ऐड करोगे और फिर 3-4-5 मिनट फिर पानी ऐड करके। ये देखो गाइस, ये देसी काचरा ऐड हो रहा है देखो इसमें। काचरा ऐड हो गया। वाह भाई वाह। हिलाएंगे, मिला देंगे अच्छे से, फिर में डालेंगे पानी। इसमें और थोड़ा पानी डालोगे? हाँ, ये 250 ml पानी डालेंगे। ओके ओके, ये वैसे ग्रेवी वाली बनने वाली है या? हाँ, हल्का सा ग्रेवी रहेगा। हल्का सा ग्रेवी, ओके। बिल्कुल सूखा नहीं रहेगा, हल्का सा ग्रेवी होना चाहिए पकने के लिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। थोड़ा सा एक ग्लास हल्का सा पानी, एक ग्लास पानी ऐड कर दिया। अब इसको हिला देंगे, थोड़ा सा हिला देंगे पानी को। ओके, थोड़ा सा पानी और लग रहा है, कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी और ऐड करना पड़ेगा। ये कम से कम 7-8 लोग खा सकते हैं। हमने तो 3 लोगों का बनाया था, वो ज़्यादा बन गया ये। ओके गाइस, हमने सीधा 3 लोगों का बनाया था, बस वो भी खा लेंगे इसको। थोड़ा सा आधा गिलास और पानी ऐड करेंगे। आधा गिलास पानी और ऐड करना पड़ेगा, कम लग रहा है पानी। ढक के मीडियम फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे, घर जैसा माहौल हो गया, जैसे अपने घर पे बनती है ना। कोई मसाले नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जो मसाले होते हैं, खड़े मसाले, गरम मसाले, कुछ भी नहीं है। सिर्फ नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया, और कुछ भी नहीं है इसमें। और देसी घी, ज्यादा कुछ हम मसाले डालते नहीं है, नहीं तो वो फिर पेट में जलन करता है, ये करता है, देसी खाने का टेस्ट नहीं आता। तो नॉर्मल सिर्फ नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर और घी, और कुछ नहीं है इसमें। 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इसको 5 मिनट पकाएंगे, तो ये पक के तैयार हो जाएगी सब्जी। पानी है, पानी में डालना पड़ेगा। नॉर्मल मिर्ची हो गई ना? हाँ, देखो अभी मिर्ची का दिख रही है आपको। और कितनी देर तक पकाओगे महेंद्र जी? दो तीन मिनट और। थोड़ा ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, अभी गाढ़ा हो गया ना। ओके ओके ओके, और गाढ़ा अगर मस्त ग्रेवी और गाढ़ी करनी है। हाँ, हल्का सा गाढ़ा हो जाए ग्रेवी। ओके, फिर बंद कर देंगे। वैसे पक गई है, बन गई है सब्जी वैसे। ओके, ग्रेवी के लिए थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। सब्जी पक गई है बढ़िया। तो गाइस फाइनली सब्जी रेडी हो गई है। ये महेंद्र भाई की देसी ढाबा स्टाइल सब्जी रेडी हो गई है। टेस्ट करेंगे विक्रम भाई। विक्रम भाई थोड़ा टेस्ट करके बताएंगे। इधर आइए विक्रम भाई। विक्रम भाई नहीं आएंगे। तो विक्रम भाई कैसे लगी? बहुत अच्छी बनी है। ऐसा टेस्ट तो कभी किसी के ढाबे पे मिलता ही नहीं है जो महेंद्र जी के ढाबे पे मिल रहा है आजकल। मजा आ गया। हम दोस्त लोग मिल के महेंद्र भाई के ढाबे पे देखो आज पार्टी करने वाले हैं। आज हमने मस्त के काचर और ग्वार फली की सब्जी बनाई है देसी स्टाइल में, घी में फ्राई करके। और हमने अपने खेतों से काचर और ग्वार फली तोड़ के लाए थे। हम खुद जाके तोड़ के लाए खेतों में, और थोड़ी खुजली भी हुई हाथों में, क्योंकि वो ग्वार की खुजली होती है, तो थोड़ी खुजली भी हो रही थी। फिर भी मेहनत किया, खुद के हाथों से तोड़ी और खुद के हाथों से बनाई है, खुद खाएंगे। अब जो खाना चाहता है वो अपने यहाँ आ सकता है, खुला खाता है, और बताए अगर किसी को खाना है तो। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बाड़मेर में राजस्थान में देखिए हम ये महेंद्र भाई की सब्जी। अगर आपको खानी है तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके सर, धन्यवाद। सब्जी की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर रहे, कॉमेंट कर रहे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें गाइस। भूखों को भोजन दो, फूड वेस्ट बचाओ, अपना देश बचाओ गाइस। बाय बाय, टेक केयर।